हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइज के आधार पे कंप्यूटर्स को कितनी चार श्रेणी में बांटा गया है। साइज छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। तो इस सिचुएशंस में कंप्यूटर्स को चार टाइप्स में बेसिकली बांटा गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं ये चारों टाइप्स को। तो सबसे पहला है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। क्या है माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, पता है आपको? माइक्रो का मतलब होता है छोटा। इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर दो कारणों से कहा जाता है। पहला कारण है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, और दूसरा कारण है कि ये सारे कंप्यूटर्स की अपेक्षा बहुत छोटा है। मतलब फर्स्ट बिकॉज इट यूजेस माइक्रो प्रोसेसर एज सीपीयू, एंड सेकेंडली इट इज लोअर देन, इट इज स्मॉलर देन अमॉन्ग ऑल कंप्यूटर्स। मतलब सारे कंप्यूटर्स की अपेक्षा ये सबसे ज्यादा छोटा होता है। इसको एक स्टडी टेबल अथवा एक ब्रीफ केस में रखा जा सकता है। मतलब इसको आप अगर जिस पे स्टडी कर रहे हो वो टेबल्स और एक ब्रीफ केस में, मतलब लैपटॉप साइज में, आप इसे एक ब्रीफ केस में आसानी से रख सकते हो। तो ऐसे साइज का कंप्यूटर्स होता है। यह कंप्यूटर सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। इस कार्य प्रणाली तो लगभग बड़े कंप्यूटर्स के समान ही होती है। मतलब कार्य का जो प्रोसेसेस होता है, काम जो करता है, ये सब काम करता है, और कार्य करने का जो प्रोसेसेस होता है एकदम बड़े कंप्यूटर्स की तरह ही होता है। मतलब जैसे और भी ज्यादा बड़ा कंप्यूटर्स काम करेगा वैसे ही ये करेगा, ठीक है। परंतु इसका आकार उनकी तुलना में कम होता है, परंतु इसका जो साइज होता है बड़े कंप्यूटर्स की तुलना में थोड़ा कम होता है। इस कंप्यूटर पर सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। सिंगल बेसिस कंप्यूटर होता है, सिंगल कीबोर्ड, सिंगल माउस लगी होती है इसमें, एक ही इंसान एक बार में इसे यूज कर सकता है। दूसरा है मिनी, थोड़ा सा बड़ा आ जाओ माइक्रो से। जो पहला मैंने माइक्रो वाला पढ़ा इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ मिनी कंप्यूटर। मिनी मतलब माइक्रो से, मिनी का मतलब भी होता है छोटा, बट माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा। माइक्रो से थोड़ा बड़ा मिनी, मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति, मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व मेमोरी वाले कंप्यूटर, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व मेमोरी वाले कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर्स कहलाते हैं। मतलब माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा ज्यादा फास्ट होता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 5 times फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, जो मिनी कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इसमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं, एक से ज्यादा इसमें सीपीयू का यूज किया जाता है। वह माइक्रो कंप्यूटर्स महंगे होते हैं, सॉरी मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। मतलब मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से महंगा होता है। मिनी कंप्यूटर्स का उपयोग यातायात में, यात्रियों के लिए, आरक्षण प्रणाली का संचालन, बैंकों के बैंकिंग कार्यों के लिए किया जाता है। मतलब कि इस कंप्यूटर्स का यूज बैंकिंग सेक्टर्स में, मान के चलो आरक्षण टिकट्स वगैरह जो रिजर्वेशंस होता है, तो क्या होता है कि एक सिस्टम्स होता है जिसमें अलग अलग सीपीयूज होता है, लेकिन सब एक दूसरे से इंटर कनेक्ट होता है, तो मिनी कंप्यूटर ये कंप्यूटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व क्षमता वाले कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। मतलब मिनी कंप्यूटर से भी ज्यादा क्षमता वाले और थोड़ी स्पीड गति वाले कंप्यूटर्स क्या कहलाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर्स आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनमें अत्यधिक मात्रा के डाटा प्रतिबद्धता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों, रेलवे, आरक्षण, सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है। मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज बड़े बड़े बैंक्स वगैरह, बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है, क्योंकि इसमें डेटा का आदान प्रदान ना बहुत ही स्पीड से होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होता है। इसलिए इस कंप्यूटर्स का यूज अलग अलग सेक्टर्स में, जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है काम का, जहाँ पे ज़्यादा लोग मिलके कंप्यूटर्स एक ही काम को कर रहे हैं। मान के चलो अगर बैंक है, डिपॉजिट हो रहा है, तो आप देखोगे अलग 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 काउंटर है। अगर मान के चलो पैसा विड्रॉ हो रहा है तो अलग 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 काउंटर। अब देखो क्या हो रहा है कि सब काम का ब्यौरा एक ही जगह पे जाके सेव होना है, इसीलिए एक ही सिस्टम्स होता है, सबका कनेक्शंस एक ही सिस्टम से होता है। बट वहाँ पे जो यूजर्स हैं, एम्प्लॉयज जो हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं, तो इस कारण से ऐसे कंप्यूटर्स को डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर मतलब सबसे ऊपर, सबसे बड़ा साइज, सबसे ज्यादा गति वाले कंप्यूटर, सबसे गति वाले और अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर्स होते हैं। इनमें एक से अधिक सीपीयू लगाए जा सकते हैं, वो एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं, वो आकार में बहुत बड़े होते हैं। मतलब
अभी तक का सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉरी अभी तक का जो सबसे ज्यादा बड़ा साइज और सबसे ज्यादा गति वाला कंप्रेसर होता है वो सुपर कंप्रेसर होता है, जिसमें बहुत तरह का इनपुट प्रोसेस मतलब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस लगी होती है, बहुत तरह का कार्य करने वाले डिवाइस लगी होती है, बहुत से सिस्टम इससे कनेक्टेड होते हैं, मतलब सेकेंड्स में ये बिलियंस एंड बिलियंस इंस्ट्रक्शन को कर सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा हाई स्टोरेज कैपेसिटी बेस्ड मतलब हाई क्षमता वाले मतलब रखो कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड्स भी बहुत ज़्यादा यूज होती है, और ये मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट्स के लिए किया जाता है। इसका काम नए नए वर्क के लिए होता है, नई नई तकनीकी चीज़ों के लिए होता है, बड़े बड़े कार्य के लिए होता है, जैसे हाई डेफिनेटेड एनिमेटेड मूवीज़ आपको जनरेट करना है, HD ग्राफिक्स बेस्ड मूवी जनरेट करना है, मौसम की भविष्यवाणी वगैरह के लिए, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए, वेदर प्रेडिक्शंस के लिए, आप मतलब मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए, अणु परमाणु वगैरह मेंटेन करने के लिए, डिज़ाइन ऑफ ड्रग्स, तो ऐसे सिचुएशंस के लिए दवाई वगैरह का डिज़ाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका? सुपर कंप्यूटर का। तो फ्रेंड्स, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आकार के साइज़ के हिसाब से आपने स्टडी किया, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स, इसको हमने जाना। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आपके साथ जनरेट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है आपको इससे रिलेटेड, इस पार्ट से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इस वीडियोस को शेयर करो, जिससे उन्हें भी कंप्यूटर सीखने में आसानी हो, क्योंकि मैं ये आपके लैंग्वेज में लेकर आया हूँ। हिंदी इंग्लिश में, इंग्लिश की बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स आती थी, ऐसा मुझे बहुत सा कमेंट मिला है। मैंने ऑफलाइन भी जब मैं क्लास कराता हूँ तो ऐसा सिचुएशन बहुत सुनने को मिलता है कि सर हिंदी में क्लासेस दीजिए, हिंदी में हमें मतलब टेक्स्ट वगैरह दीजिए। तो मैं स्पेशली आपके लिए हिंदी में लेकर आया हूँ कि आप आसानी से इसे हिंदी में समझो, और आप कॉपी पेन लेके रखो, नोट करो छोटी छोटी चीज़ों को, आप इसे कम्प्लीटली याद रखो, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको इस रिलेटेड कुछ कुछ अब क्वेश्चंस रखूंगा। जब मैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स को ख़त्म करूंगा तो आपसे मैं एक टेस्ट लूंगा, और उस टेस्ट में आपको पास होना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है तो लाइक तो करो और सब्सक्राइब कर लो, तो आपको और भी वीडियोज़ वगैरह मिलती चली जाएगी। थैंक यू।